भारत के 4 राज्यों में 10,000 से भी ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें करीबन 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। हाल ही में NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने मदरसों में स्टडी मटेरियल जारी किया है। आपको बता दें कि मंगलवार को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने NIOS के कार्यक्रम में स्टडी मटेरियल जारी करते हुए यह फैसला लिया कि मदरसों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राचीन संस्कृति से जुड़ा ये कोर्स ज्ञान का पावर हाउस है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय प्राचीन संस्कृति को मदरसों एवं दुनिया के अन्य भारतीय समुदाय तक लेकर जाएंगे। बता दें कि NIOS ने मदरसों में गीता एवं रामायण पढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए 15 नए कोर्स तैयार किए गए हैं, जिसके तहत बच्चों को वेद, योग, ज्ञान, संस्कृत भाषा, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को प्राचीन संस्कृति से जोड़ा जाएगा। NIOS देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के बच्चों को ओपन और डिस्टेंस शिक्षा उपलब्ध करवाता है। NIOS की चेयरमैन सरोज शर्मा ने अपने बयान में कहा कि अभी हमने इसकी शुरुआत 100 मदरसों से की है। भविष्य में 500 से भी अधिक मदरसों में गीता और रामायण पढ़ाई जाएगी। NIOS के नई स्टडी मटेरियल के तहत बच्चों को पूरी आज़ादी होगी कि वे शिक्षा को चुने या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।